न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन चल रही थी और इसमें अपन को बात करनी थी कौन कौन से रिएक्शन के। देखो एक तो SNI, SN1, SN2 और एक NGP भी है जिसको भी नहीं पढ़ेंगे अपन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, उसको बाद में देखेंगे। तो देखो SNI रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री अपन ने देख ली थी क्या होती है, ठीक है ना। SNI रिएक्शन के केस में हमने बात करी थी, SNI रिएक्शन के केस में यदि SOCl2 से आप डायरेक्ट एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और SOCl2 के साथ क्या लेते हो, पिरिडीन, तो उस कंडीशन में रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ में आ रहा है ना, ये अपन ने देख लिया था, ठीक है ना। अब अपन को नेक्स्ट रिएक्शन की बात करनी है, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे सपोज करो RCl प्लस न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये रिएक्शन हुई R न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl-। यदि ये रिएक्शन सपोज करो SN1 रिएक्शन है तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मान लो रिएक्शन SN1 है तो देखिए इसकी मैकेनिज्म ये होगी, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना। देखो सबसे पहले इस टाइप में तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये बनेगा, देखो R प्लस प्लस Cl-, ये रिएक्शन का RDS होता है, रेड डिटरमाइन स्टेप, या मैं कह दूँ स्लो स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो तो वो करवाना होता है, वो अपन सब आगे देखेंगे, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना, अब कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है R न्यूक्लियोफाइल। देखो ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, तो ये तो नॉर्मल केस हो गया कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होती है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। देखो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, समझ में आ रहा है ना। अब एक्चुअली अपन को बात करनी है SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि यहाँ पर स्टीरियो को किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो देखो ध्यान देना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन या स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, मान के चलो कि ये है ये R1, यहाँ पर R2, ये R1 हो गया, यहाँ पर R2, देखो R3, और यहाँ पर हमने मान लिया Cl, ठीक है ना, ये कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बनेगा भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो देखो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ से Cl बाहर निकल गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बन गया कार्बोकेटाइन। देखो ये R1, देखो वेज पर क्या है R2 है ना, R2 डैश पर क्या लिखा बनने R3, ये समझ में आ गया। देखो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को अपन ने इस तरह से सो गया कि ये तो इस तरह से हो गया कि ये R1 यहाँ पर है और जो R2 है वो इधर चला गया, वेज पर आ रहा है ना, वेज का मतलब आपकी तरफ है, और जो R3 है वो इधर चला गया मतलब बॉडी के पीछे, तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये हो गया ना R1 R2 R3, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बना, नहीं बना, इस ट्राइगोनल प्लेनर जो पार्ट है इसके इधर और इधर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा, डंबल शेप होता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये तो ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट हो गया, ये ठीक है ना, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट है इसके परपेंडिकुलर होगा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये वैकेंट, इसके अंदर क्या चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये वैकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो देखो परपेंडिकुलर टू मॉलिकुलर प्लेन, या मॉलिकुलर प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो आगे इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक की बात करें, तो अब देखो ध्यान देना, ये ट्राइगोनल प्लेनर है,
ठीक है ना। और ये वेकेंट अनहाइब्रिड प्योर मेटल है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अपन को पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका टैग प्लेन के इधर से भी हो सकता है और इधर से हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल का टैग हो सकता है इधर से हो, इस न्यूक्लियोफाइल का टैग हो सकता है इधर से हो। तो दो पात हो गए, इसको पात ए कर देता हूँ, इसको पात बी कर देता हूँ। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हुई ना, ये प्लेन के ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल का टैग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, पास्ट स्टेप है, पास्ट जबकि ये आरडीएस है, आरडीएस में कार्बोकेटन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, यदि न्यूक्लियोफाइल का टैग पात बी से होता है तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया आर वन, न्यूक्लियोफाइल इस साइड में आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल, और देखो वेज पर क्या है आर टू है ना, तो आर टू वेज पर चला गया, ठीक है। और R3 कहाँ पर है, डैश पर है, तो R3 को जोड़ दिया डैश पर, ठीक है ना। ये पाथ बी से बना है, पाथ बी से। अब देखो अटैक जो पाथ ए से भी तो हो सकता है, पाथ ए से अटैक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा, इस साइड में। तो देखो यहाँ पर ये होगा R1, ठीक है ना, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ रहा है ना। वेज पर क्या है आर टू, डैश पर क्या है आर थ्री, तो देखो ये वेज पर आर टू और डैश पर क्या है आर थ्री, ये पाथ ऐसे बना। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है, ठीक है ना, पेरो पेनांसिमर होगा। यदि ये ट्रू कार्बोकेटाइन, ध्यान देना, यदि आर वन आर टू आर थ्री ये तीनों ही अलग अलग हो, देखो इफ आर वन नॉट इक्वल आर टू नॉट इक्वल आर थ्री, ये तीनों ही अलग अलग हो तो इस कार्बोकेटाइन को कहेंगे ट्रू कार्बोकेटाइन। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रू कार्बोकेटाइन। देन कार्बोकेटाइन इज, या कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड ट्रू कार्बोकेटाइन, ट्रू कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को क्या कहेंगे, ट्रू कार्बोकेटाइन कहेंगे। अब यदि कार्बोकेटाइन ट्रू कार्बोकेटाइन तो यहाँ पर रेसमाइजेशन होता है, ये दोनों नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब पेयर ऑफ एनांसोमर का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, पेयर ऑफ एनांसोमर, पेयर ऑफ एनांसोमर, पेयर ऑफ एनांसोमर। कुल मिलाकर यहाँ पर देखो दोनों बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि रेसमाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसमाइजेशन। तो कुल मिलाकर यदि SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है और ट्रू कार्बोकेटाइन उसके दौरान बनता है, तो रिएक्शन के दौरान रेसमाइजेशन होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो एक ट्रू कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन देन रेसमाइजेशन विल बी टेक प्लेस। अब देखो ये तो पता है इसे कि ट्रोकार्बोकेटाइन क्या है कि तीनों ही ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तब ट्रोकार्बोकेटाइन कहेंगे। तो अगर ट्रोकार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ने लिखा यहाँ पर कि ट्रू कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन देन रेसमाइजेशन विल बी टेक प्लेस, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, 100% का मतलब है कि रेसमी मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50% एक फॉर्म और 50% उसकी मिरर इमेज हो, तब बोलते हैं ना। यहाँ पर 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, मतलब ऐसे चांस बहुत कम होते हैं जिसमें 50% ये बने 50% ये बने, बल्कि क्या होता है कि 100% रेसमाइजेशन का तो नेग्लिजिबल चांस होता है, मैक्सिमम केस के अंदर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर होता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब समझ में है ना, इन्वर्जन डोमिनेंट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो रेसमाइजेशन विल बी टेक प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दो केस अपन ले सकते हैं, देखो रेसमाइजेशन। अब देखो दो केस यहाँ पर ले सकते हैं, देखो एक तो गया 100% रेसमाइजेशन, जैसे ये हो गया, ये डी प्लस एल दो फॉर्म बनी। अब एक तो केस है कि डी फॉर्म 50% बनी और एल फॉर्म भी 50% बनी, इसको तो कहेंगे अपन 100% रेसमाइजेशन। इसका मतलब तो क्या होगा, 100% रेसमाइजेशन, 100% रेसमाइजेशन,
रेसेमाइजेशन, लेकिन ये क्या काफी रेयर होता है, देखो वेरी रेयर, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम होती है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो वो बेसिकली मैक्सिमम केस में क्या होता है, जैसे डी प्लस एल, अब ये हो गया, जैसे मान के चलो कि एक तो मेजर है दूसरा माइनर है, एक मेजर और दूसरा क्या होगा माइनर, तो ये हो सकता है कि जिस ये मेजर हो गया, देखो यहां पर कर देता मेजर और माइनर, माइनर अपोजिट भी हो सकता है कि ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। बेसिकली एक्चुअली मेजर कौन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया ना। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अपन तो डिसाइड कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली ये होता है, ये होता है, तो इसके चांस बहुत कम है 100% रेसेमाइजेशन के, इसके चांस बहुत कम है, इसके चांस है ना मैक्सिमम केस में, तो जर्नली ऐसा ही होता है ना। चलो पहले इसको लिख लो, जगह कम है उधर लिख देंगे, पहले इसको लिख लो आप एक बार, याद मेजर इन्वर्टेड होगा ना, हाँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर होगा, आप इसको नोट करो, भी लिखाऊंगा मैं ना, करो देखो नोट याद तक, कोई डाउट है क्या तक नहीं ना, तो देखो ध्यान देना, इसको मिटा दो ना इधर, देखो तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि 100% रेसेमाइजेशन के चांस तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जनरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर होता है ना। इसको लिख रहा हूँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो जैसे ये रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन, तो रेसेमाइजेशन में देखो ध्यान देना, एक तो क्या है 100% रेसेमाइजेशन का केस, ये देखो 50% डी प्लस 50% एल फॉर्म, ये जो केस है, मतलब ये तो हो गया 100% रेसेमाइजेशन, 100% रेसेमाइजेशन, और इसके चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देखो वेरी रेयर, ठीक है ना। और बी केस बनता है कि यहाँ पर डी और एल में से एक मेजर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन लिख दिया देखो डी प्लस एल। अब इसमें यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो सकता है मेजर ये हो और ये माइनर हो, ठीक है ना, डे एंड एल फॉर्म, हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि ये माइनर हो और ये मेजर हो। एक्चुअली क्या होगा कि इन दोनों में से वो मेजर होगा जनरली, जो कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, मतलब जो इन्वर्जन से बना है। अब हो सकता है वो ये हो सकता है ये हो, जो भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर अपन लिख सकते हैं, देखो जनरली देखो इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एच मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जनरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, डेट इज इन्वर्जन इज डोमिनेंट। ये समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन्वर्जन डोमिनेंट क्यों होता है भाई? जब अपन SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो प्लेन के दोनों साइड से जब अटैक की पॉसिबिलिटी है, तो फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेंट क्यों होता है, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट एक्चुअली मेजर क्यों बनता है, ठीक है, उसका क्या रीजन है। तो देखो होता क्या है, देखो समझना, जैसे ये SN1 रिएक्शन, देखो यहां पर लिख रहा हूं, जैसे SN1 रिएक्शन, देखो ये RCl, सबसे पहले क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ते यहां पर कार्बोकैटायन बन गया ना, और ये साथ में Cl माइनस। देखो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक कैटाइन है दूसरा एनाइन है, तो क्या बॉन्ड टूटते ही Cl माइनस यहां से दूर चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं इसको बोल सकता हूं कूलंबिक अट्रैक्शन, या क्या बोल सकता हूं, कूलंबिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही दूर दूर चले गए, ऐसा नहीं,
कुल मिलाकर बॉन्ड टूटने के बाद भी काफी समय तक ये इसके पास में ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, हाँ, बीच में जैसे जैसे इसका सॉल्वेशन स्टार्ट होगा, सॉल्वेशन स्टार्ट होने के साथ साथ बीच में सॉल्वेंट की लेयर आने लग जाएगी। बीच में क्या जाएगी? सॉल्वेंट की लेयर, ठीक है ना? लेकिन वो सॉल्वेंट लेयर कब आएगी? जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक के चांस कैसे है देखो समझना। देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है। ये सॉल्वेंट लेयर, इसको इधर बना देता हूं। ये देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हो सकता है और अटैक इधर से भी हो सकता है, लेकिन ये जो साइड है ना ये प्रोटेक्टेड है इसके द्वारा। समझ में आ रहा है? जबकि ये जो बैक साइड है पीछे की ओर, ये कंप्लीट फ्री है। इसका मतलब है कि बैक साइड से अटैक के चांस ज्यादा है और फ्रंट साइड से अटैक के चांस कम है। ये लेस प्रोबेबल अटैक है। देखो ये वाला लेस प्रोबेबल अटैक, प्रोबेबल अटैक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? जबकि ये मोर प्रोबेबल अटैक है, मोर प्रोबेबल, प्रोबेबल अटैक। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक साइड से अटैक के चांस ज्यादा है, फ्रंट भाई ऐसा थोड़ी कि ये न्यूक्लियोफाइल इंतजार करेगा इसका कि पहले तो सीएल माइनस कंप्लीट दूर चला जाए उसके बाद अटैक होगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना? ये तो क्या है कि जैसे ही इसको कार्बोकेटाइन दिखेगा तुरंत ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि फ्रंट साइड से तो अटैक के चांस कम ही रहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि फ्रंट साइड अभी प्रोटेक्ट है, किसके द्वारा? इनके द्वारा। इसलिए बैक साइड से अटैक के चांस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैक साइड से अटैक की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से, ठीक है ना, इधर मत कर दो, यहां पर देखो ये R प्लस सी एल माइनस, और अपन का पता है सॉल्वेंट लेयर, ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक के चांस इधर से ज्यादा है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से अटैक के चांस कम है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखो ये बनेगा बैक साइड से अटैक के चांस ज्यादा है, तो R न्यूक्लियोफाइल R प्लस R न्यूक्लियोफाइल। देखो ये तो हो गया इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, बैक साइड से अटैक हुआ उससे बनाइए, और ये फ्रंट साइड से अटैक से बनाइए इधर से, ठीक है ना? ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? जो इन्वर्जन से बनेगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा, और जो रिटेंशन से बनेगा वो माइनर होगा। तो एक मेजर हो गया एक माइनर हो गया, जैसे एग्जांपल ले, सपोज करो ये बन गया 70%, ये बन गया 30%, तो इस कंडीशन में रेसमाइजेशन कितने परसेंट हुआ है ना, रेसमाइजेशन कितने परसेंट होगा? जो कम है ना उसका डबल करना है, तो यहाँ पर हो गया 100 रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन कितने परसेंट होगा? 60%, जो कम है उसका डबल करना है, ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है कि समझने के लिए मैंने 70-30 लिखा है, वो जरूरी नहीं, यही हो 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्शन कंडीशन क्या है। समझ में आ रहा है ना? उन पर ये केवल अभी अपन ने समझने के लिए लिखा है, दिमाग में ये फिक्स नहीं करना कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट 70% बनेगा और जिसमें रिटेंशन होगा 30%, ऐसा नहीं है, केवल समझने के हिसाब से लिखा है अपन ने। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन क्यों होता है, और रेसमाइजेशन होता है लेकिन 100% रेसमाइजेशन के चांस कम क्यों होते हैं, ठीक है ना? इन्वर्टेड प्रोडक्ट डोमिनेंट क्यों होता है, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? देखो SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ये RDS है, RDS के अंदर कार्बोकेटाइन बन रहा है, RDS में केवल सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट हो रहा है, क्या न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट हो रहा है RDS में? नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। इसका मतलब RDS में केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर होगा रेट इक्वल के सबस्ट्रेट RCl, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो
करता है। देखो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आरएनएस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो देखो रेट ऑफ एसएन1 रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसी को कोई डाउट है क्या? देखो अभी केवल अपन को स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी है। जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 इन रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल अपन को एक स्टीरियो अप्लाई करनी थी, ये बताना था कि SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार से अपना काम करती है। कोई डाउट है क्या तक? नहीं, क्लियर है सबको, है ना। करो देखो नोट।